नालंदा जिले में पैक्स चुनाव को लेकर विभिन्न प्रखंडों में अध्यक्ष पद के लिए नामांकन प्रक्रिया जोर शोर से जारी है। परवलपुर प्रखंड के चौसंडा पंचायत पैक्स से अजीत कुमार सिन्हा ने नामांकन दाखिल किया। वे पिछले 25 वर्षों से लगातार पैक्स अध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे हमेशा किसानों के बीच रहकर उनकी समस्याओं का समाधान करते आए हैं और पंचायत के सभी लोगों का उन्हें समर्थन मिल रहा है। वहीं परवलपुर प्रखंड के शिवनगर पंचायत पैक्स से रेणु कुमारी ने अध्यक्ष पद के लिए नामांकन किया। समर्थकों ने उनका स्वागत फूल मालाओं के साथ किया। रेणु कुमारी ने कहा कि उनकी प्राथमिकता किसानों को धान अधिप्राप्ति के बाद 15 दिनों के भीतर भुगतान सुनिश्चित करना और हर समस्या का समाधान करना होगा। बेन प्रखंड के वेन पंचायत पैक्स से धनंजय कुमार ने अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल किया। धनंजय पूर्व में बेन प्रखंड के प्रमुख रह चुके हैं। उन्होंने कहा कि जनता ने अगर हमें मौका दिया तो किसानों के हित में विकास कार्यों को प्राथमिकता देंगे। वहीं अकौना पंचायत पैक्स से जितेंद्र कुमार उर्फ जीतू कुशवाहा ने भी अध्यक्ष पद के लिए नामांकन किया। समर्थकों ने उनका स्वागत फूल मालाओं से किया। उन्होंने कहा कि किसानों की समस्याओं का समाधान और सरकारी योजनाओं को जमीन पर उतारना उनकी प्राथमिकता होगी। वहीं बेन प्रखंड के अरावा पंचायत से नवीन सिंह ने भी पैक्स अध्यक्ष पद के लिए नामांकन किया। उन्होंने जीत का दावा करते हुए कहा कि उन्हें किसानों का पूरा समर्थन प्राप्त है। बेन प्रखंड के मैंजरा पंचायत पैक्स से करण यादव ने तीसरी बार अध्यक्ष बनने की दावेदारी पेश की है। उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल में किसानों की समस्याओं का समाधान किया गया और धान अधिप्राप्ति को लेकर पंचायत में कोई शिकायत नहीं रही। हम चौसंडा पंचायत से उन्होंने शंकर भाई अध्यक्ष पद के लिए सर हम पिछले 25 साल से अध्यक्ष हैं और लगातार कि किसानों के बीच ही रहते हैं। हर समस्या किसान हो या अन्य समस्या भी उसे हम जूझते रहते हैं, लोग को काम करते रहते हैं ना। हम लोग समस्या का सोल्व कर देते हैं अपने तरफ से, कोई दिक्कत नहीं होता है। धान अधिप्राप्ति में कोई चुनौती नहीं है, पूरे समर्थन मिल रहा है, सभी लोग का समर्थन मिल रहा है, सभी बुद्धिजीवी जितने किसान मजदूर हैं सभी का समर्थन मिल रहा है। इस बार हमारे पैक्स में उर्वरक भी व्यवसाय होता था लेकिन कुछ टेक्निकल कारण नहीं हो पा रहा था, लेकिन इस बार चालू करेंगे। एक कृषि यंत्र सरकार से उपलब्ध हुआ है, उससे भी किसान लोग को जुताई वगैरह करवाते हैं और सभी योजना प्रयास रहेगा कि लाने इस बार लाएंगे। मैजरा पंचायत से कराए हैं और कभी हमारे रीजन में कोई किसान के कभी किसी चीज़ का तकलीफ नहीं हुआ है और नहीं आइंदा होगा। मेरे पंचायत में धान अधिप्राप्ति में एक भी शिकायत कभी नहीं है और न होगा। हमेशा किसानों के लिए मैं तत्पर रहता हूं, जो भी किसान की आवश्यकता होगी मैं पूरा करता हूं। हमारे पंचायत किसानों से अपील है कि हमेशा पूर्ण भारी बहुमत से जिताते हैं, इस बार अपेक्षा से अधिक बहुमत से जीतूंगा मैं। ये तीसरी बार है जी। बेन ब्लॉक के अकौना पंचायत पैक्स अध्यक्ष पद का उम्मीदवार हूँ मैं। किसानों के लिए सबसे बड़ी एजेंडा है कि हमारे पंचायत में किसानों के लिए कोई एजेंडा हमारे जो पूर्व पैक्स अध्यक्ष हैं उन्होंने छोड़ा ही नहीं। लोगों को बता दिया है कि पैक्स का अध्यक्ष का जो चुनाव है राशन की दुकान के लिए किया जाता है, जबकि ऐसी बात नहीं है। किसान को कोई भी लाभ नहीं मिलता है और धान एक एक साल तक बकाया रहता है। हम जो सरकार की योजना है कि जब धान खरीद होती है उससे पहले पैक्स अध्यक्ष के पास पैसा आ जाता है, 15 दिन में किसी को भी पैसा किसी भी किसान को मिलना चाहिए और इसका पूरा हम ध्यान रखेंगे कि किसानों का हक, किसानों का जो धान का गेहूं का जो पैसा मिलता है जो 10 से 15 दिनों के अंदर किसानों के अकाउंट में चला जाए। पंचायत से नॉमिनेशन करवाया आपने, किस पद पे? अध्यक्ष पद पे। तो क्या कुछ मुद्दा रहेगा इस बार? धान उन खरीद होगा, खाद बीज सब मिलेगा, सब मिलेगा। कालाबाजारी की समस्या करते नहीं करेंगे तो कैसे आएगा? जैसे पहले से कर रहे थे वही काम करेंगे। शिवनगर पंचायत पैक्स तो किसान के प्रति समर्पित रहते हैं हर वजह। कोई भी किसान पंचायत में नहीं कहे कि हमारा धान नहीं लिया जाता, जो हम लोग के बनेगा उन लोग हम लोग किसान के लिए तत्पर रहेंगे। सरकार के तो अभी योजना बहुत आने वाला है, अगर आवेगा तो हम लोग किसानों तत्पर रहेंगे उसके लिए।
जनता देखिए रहे कि जनता समूचे हमारा मत है, हो सकता है निर्विरोधे रहे, देखिए आप लोग का आशीर्वाद रहता है। मैं वादा किए हैं कि हम खाद और बीज खाद समय पर उपलब्ध करावेंगे और धान भी लेंगे, और उसके बाद जो भी जिसका पैसा डूबा हुआ है उसको हम ऑडिट करा के निकालेंगे, ये एक गारंटी देते हैं कि, और वो काम इस पंचायत में हम ही कर सकते हैं, किसी से नहीं होगा, क्योंकि हम कोऑपरेटिव के अध्यक्ष पहले भी रहे हैं और हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त है, जानते हैं, इसलिए विश्वास करें जनता हम पर, और आग्रह निवेदन कर रहे हैं कि आप लोग हमको जिताइए, अगर हम काम नहीं करेंगे तो 5 साल के बाद आप हमें भी बदल दीजिए, जबकि हमने अपने दिखा दिया है, हमने दिखा दिया है प्रमुख के पद पर रह करके और विश्वास पैदा किए हैं, हमने देखा है और यहाँ विश्वास जगा है कि प्रमुख रहते हुए अच्छा काम किए, मैंने CEO और CDPO हम पर केस किया, किसानों के हित के लिए मैंने बात किया था, किसान लोग को टहला रहे थे CEO उसके बात करने गए, उस पर हम पर केस किया। सबसे बड़ा मोटो जो है इस पद के लिए, सबसे बड़ा चीज़ है कि जो सबसे बड़ा समस्या है जो इस पंचायत में जो है कोई नाम जोड़ने के लिए है, किसान लोग जो है अध्यक्ष के आगे पीछे हमेशा करते रहते हैं, 60 साल 70 साल के बुजुर्ग हो गए उनका नाम नहीं जुड़ पाया आज तक, लेकिन 14 साल 15 साल का बच्चा के एक एक घर में जो है पैदा होता है उसके 14 साल 15 साल होते ही उसका नाम जोड़ दिया जाता है, शादी हो के आता है उसका 1 महीने के अंदर उसका नाम जोड़ दिया जाता है, और आज तक किसी भी काम के लिए अध्यक्ष जो है घर पे आदमी जाते हैं वो सीधे कहते हैं कि हाँ हाँ आपका हो जाएगा, लेकिन जब लिस्ट आता है लिस्ट में जो है बेचारे का नाम नहीं होता, बहुत सारे हमारे नज़र में ऐसा बुजुर्ग हैं जो आपकी 2 साल 4 साल 5 साल और जीवित हो रह सकते हैं, लेकिन फिर भी आज तक कोई इसका सदस्य नहीं बन पाए हैं। हित की जहाँ तक बात आती है तो सबसे बड़ा जो है धान खरीदी वगैरह तो जनरल चीज़ है जो बाज़ार में भी बिक जाता है, यहाँ न तो आज तक किसी किसान को खाद दिया जाता है और ना ही किसी भी तरह का जो भी सुविधा है वो बताया जाता है, अरे इसके मद्देनजर कभी किसान का बैठक तक नहीं किया जाता, जबकि सबसे बड़ा मुद्दा जो होना चाहिए वो किसान का बैठक होना चाहिए, उस बैठक में जो है ये तय करना जनता का काम है कि जो समिति है समिति का कार्य क्षेत्र जो है कितना आगे चल रहा है या पिछड़ रहा है उसका मुद्दा पर चर्चा होना चाहिए, लेकिन आज तक कभी 15 साल में हमें नज़र में देख रहे हैं कि आज तक कभी इस पर किसी तरह का कोई मीटिंग तक नहीं बुलाया गया।